गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब जिस जगह पे फिलहाल मैं खड़ा हूं और जिस जगह पर मैं अभी गड्ढा खोद रहा हूं, इसके ठीक नीचे दफन है हमारी बड़ी वाली 52 सीटर वाली बस। और गाइस, जो बस है वो इसी जगह के बिल्कुल नीचे है, मेरे बिल्कुल नीचे है। लेकिन आज मेरे मन में आई, आज जो है इच्छा कर रही है कि यार कम से कम एक बार हालचाल तो देखा जाए कि जो बस है अभी उसका क्या हाल है। बस को निकालने का तो प्लान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि जो बस है उसके अंदर फिलहाल क्या हाल है। हमारी जो प्यारी सी बस थी जिसको हमने नीचे दबा दिया था, वो अभी क्या कर रही है अंदर, उसके अंदर का माहौल फिलहाल कैसा दिख रहा है, क्योंकि वो किसी ने नहीं देखा। और बस जो है उसको दफन के भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो भाई आज जो है बस के अंदर जाने का रास्ता बनाएंगे, एक अलग ही एडवेंचर है। फटाफट जो शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना और नीचे कमेंट्स में बता देना कि आपको क्या लगता है कि अभी बस की क्या हालत होगी। क्या बस पे जंग लग गई होगी, या फिर बस वैसे की वैसे होगी, या फिर वो टूट गई होगी, या उसके अंदर किसी भूत ने अपना घर बना लिया होगा, मुझे नहीं पता। चलो शुरू करते हैं। गाइस, जो बस है ना वो बहुत नीचे है और इसको खोदना जो है फिलहाल एक गड़ा मुर्दा उखाड़ने वाली बात है इसके अंदर से। यार गाइस, इस तरीके से बस तक पहुंचना तो मुझे नहीं लगता इतना आसान है, कोई दूसरा टेक्निक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत अंदर है भाई, कब तक हम खोदते रहेंगे इस तरीके से। सोचना पड़ेगा क्या करें, बस तक पहुंचने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, कोई रास्ता बनाना पड़ेगा, ऐसे तो जान निकल जाएगी। तो गाइस, बस है फिलहाल इधर पे, और ऊपर से अगर खोदेंगे तो वैसे भी बस में जो है उसमें नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ में हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि कहाँ खोदना है और ऊपर से खोद करके नीचे कैसे जाएंगे भाई। तो यहाँ पर अब मेरा दिमाग काम कर रहा है कि एक सुरंग बना लेते हैं और जो सुरंग है वो आर पार जाएगी बस के अंदर। लेकिन बस का जो गेट है वो उस साइड में है, लेकिन गाइस थोड़ा सा मजा ले सकते हैं, सुरंग जो है वो बड़ी ही मजेदार तरीके से बनेगी जो कि सीधी जो है बस तक पहुंचेगी। कुल मिलाकर के बस जो एक अंडरग्राउंड हाउस आप कह सकते हो या फिर भूत बंगला कह सकते हो, क्योंकि वो बहुत दिन से सुनसान पड़ा है, अकेला पड़ा हुआ है। चलो बनाते हैं उसको। गाइज, यहाँ पर हम एक सुरंग के लिए रास्ता बना रहे हैं और वो जो है सीधा बस तक जाएगा, और सुरंग में फ़ायदा यह कि वो सीधा गेट में घुस जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम भी गाइज यहाँ पर ये है कि हमको नहीं पता कि जो बस है हमारी इसके नीचे उसका गेट एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो एक अंदाजे के लिए मैं सोच रहा हूँ गेट यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ हो सकता है, तो वो तो जो है खोद करके पता चलेगा। चलो अब सुरंग को खोदना शुरू करते हैं, मार्किंग हो गई है। गाइस, फिलहाल पूरा वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सुरंग है वो तैयार हो चुकी है और अब बस के हम आसपास पहुँच गए, लेकिन अभी तक जो बस है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो देखते हैं कितना टाइम इसको और लगता है। अभी बस जो है वो मेरे अंदाजे से इससे थोड़ा सा दूर और होनी चाहिए, लगभग 4-5 फीट और हो सकती है। मैं इधर ही आ जाता हूँ।
गाइस बस को देखना चाहते हैं कैसा दिखेगा, और पता नहीं गेट पे जाएगा या कहां पर जाएगा ये, तो वो तो खुद के ही पता चलेगा। दोस्तों अब जमाना है गेमिंग का, लेकिन अब 100 गेम्स खेलने के लिए 100 ऐप्स होना डाउनलोड करेंगे, सिर्फ एक विंजो ही काफी है। यहाँ पर आपको मिलेगा नाइफ अप, शीप बैटल, क्रिकेट जैसे 100 से ज्यादा गेम्स, जैसे स्किल वैसी गेम। तो गाइस खेलो और जीतो, बहुत सारी कैश रिवॉर्ड्स विंजो पर, और विड्रॉ करो यूपीआई बैंक या फिर पेटीएम में। विंजो वर्ल्ड वॉर में बाकी लोगों से कम्पीट करो और जिताओ अपनी टीम को, लेकिन हारने का भी गम नहीं है, क्योंकि हारने पर भी आप जीत सकते हो कैश रिवॉर्ड्स। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा माइनक्राफ्ट, एसफोल जैसी गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और डोमिनोज, हॉटस्टार, मिंत्रा जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से विंजो को जल्दी से डाउनलोड कर लो, और आपको मिलेगा 50 रुपए का बोनस कैश भी। तो गाइस पूरे दिन लगने के बाद में जो हालत है वो तो खराब हो गई है, बुरी तरह थक गए हैं, लेकिन गाइस मजे की बात ये है कि मेरे पीछे आओ और यहाँ पर कहीं पे दफन है गाइस हमारी बस, और ऐसे देख करके तो आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि कहाँ पर जो है बस दफन है और कहाँ पर रास्ता है, लेकिन हम लोगों ने बना दिया है बस तक जाने वाला रास्ता जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड टनल, वो भी 250 फीट से भी लंबी। भाई 250 फीट जो है खोद करके, दबा करके, उसकी छत वगैरह सब तैयार करके, अब जो है कहीं से कोई अंदाजा भी नहीं लग रहा है, हमको ही पता है कि कहां पर क्या है, नॉर्मल देख के तो जो है मिट्टी ही लगती है। और सोचो बस तक का रास्ता गाइस, उस बस तक का जो कि कई दिनों से अंदर दफन है हमने बना दिया है, लेकिन बस तक अभी हम भी नहीं गए हैं, हम भी जो है अंदर बिल्कुल नहीं घुसे हैं। जो गेट है उसके ऊपर की जो मिट्टी है, पता नहीं वो गेट है या खिड़की है, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन वहां की मिट्टी हमने नहीं हटाई है। तो अब चलते हैं गाइस साथ में बस के अंदर, इस टनल से होते हुए जल्दी से आ जाओ। और देखो गाइस यहां नीचे टनल है, लेकिन किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कहां पर टनल है, कहां पर क्या है, आ जाओ। और गाइस ये है टनल का गेट। अब आप कहोगे गेट कहाँ है, गाइस गेट यही है, यही इस टनल का गेट है, ऐसे नहीं दिखेगा भाई, खुफिया रास्ते का मतलब ही क्या है जब ऐसे ही दिख जाए। तो यहाँ पर गेट पर जाने के लिए सबसे पहले जो मिट्टी है उसको हटाना पड़ता है, और यहाँ पर इसको उठाना पड़ता है, इसको ऐसे करना पड़ता है, इस वाली को भी उठाना पड़ता है, और गाइस हमारी जो टनल है उसका रास्ता तैयार हो गया। चलते हैं फटाक से टनल के अंदर। और भाई ये जो टनल है ये लगभग 6 फीट के आसपास में गहरी है। आजो 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 आजो, देखो कुछ जा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि बाहर से सिर्फ इधर से ही रोशनी आ रही है, और इधर पे कुछ भी रोशनी नहीं है, लेकिन इस साइड में जो लाइट है वो जरूर से है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी लाइट जो है वो जला लेता हूँ। गाइस इमरजेंसी लाइट ऑन करते हैं, क्योंकि अंदर ऐसे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और चलते अंदर। 250 फीट लंबी, बहुत लंबी, आ जाओ। और गाइस आप देखो पूरी एकदम रॉ टनल है, एकदम मिट्टी विट्टी चारों तरफ है, और ऊपर जो है छत है, लेकिन थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि सर जो है वो टकरा ना जाए। लेकिन अगर मैं लाइट बंद करता हूँ तो गाइस आप लोग देखना कि इसके अंदर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, देखो कुछ नहीं दिख रहा, जैसे लाइट जलाऊंगा सब कुछ दिखने लगता है। ये सामने है, और यहाँ पर पूरा एक 90 डिग्री का बैंड है, ऐसे नहीं जा सकते इसमें अब इधर घूमना पड़ेगा पूरा 90 डिग्री इस पर। और गाइस यहाँ पर इस वीडियो को अब कट नहीं करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा लगे। अरे एक काम करो, एक फावड़ा ले लो बाहर से, फावड़ा ले लो गाइस, फावड़ा लेके आते हैं क्योंकि बस तक पहुंचने का रास्ता भी हमको चाहिए। फावड़ा दे दो, इधर से आवाज नहीं सुनेगी, वहां जाके बोलो फावड़ा दे दो। आ गया, ले आओ ले आओ। देखो ये गेट है, अब वापस चलते हैं भाई और बस तक पहुंचते हैं। अरे यार अंदर तो बहुत गर्मी है, और जो है थोड़ा सा दम भी घुटने लगा है। हाँ एक मिनट के लिए बैठ लेते थोड़ा सा, भाई पूरे दिन लग के तैयार करी है, और देखते हैं बस में क्या मिलता है। देखो सामने जो है वो टनल है, और सीधी नहीं है, इधर से भी जो है घूम रही है। हेलो 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 गाइस, यहाँ पर जो है अंदर आकर के सारा जो कनेक्शन है बाहर से वो टूट जाता है, और अंदर क्या हो रहा है बाहर वालों को कुछ भी नहीं पता है। तो चलते हैं, ये देखो मोड़ आ गया,
फिर से जो सुरंग है वो थोड़ी सी चौड़ी हो रही है। चलो बाहर से जो है इतना आसान लगता है, अंदर आने में बहुत लंबा रास्ता है, साथ में गर्मी है भयंकर वाली। ये है बहुत सारा स्पेस, यहाँ की भी जो मिट्टी है वो देखो टूट गई है और नीचे आ गई है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आकर के हमारा जो रास्ता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब आप कहोगे कि बस कहाँ पर है भाई? बस है यहाँ पर। अब जो है बस को खोदने की बारी, फावड़ा देना मुझे, इसको पकड़ो। और भाई अब बस को निकालते हैं, इसी में ही है, और अंदर घुसते हैं। गेट थी या खिड़की थी? ये रहा गाइस, देखो ये रही, ये रही, ये रही। देखो आपको ग्रीन कलर यहाँ पर दिखेगा, और ये है बस। और फिलहाल हम एक लंबी सी सुरंग में बहुत सारी दूरी तय करके आ चुके हैं। दम तो नहीं घुट रहा है किसी का? मुझे सांस कम कम आ रही है। अरे यार भाई, यहाँ पे जो है ज़्यादा बड़ा रास्ता तो मेरे को नहीं दिख रहा है, एक बार पास आओ भाई। देखो देखो यहाँ पर जो है सिर्फ इतना सा रास्ता हमको मिल पाया है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो कोई नहीं, इसी में घुसना पड़ेगा, मैं लाइट लेके घुसता हूँ ज़रा। और पकड़ ही लो यार इसको भाई, मुझे नहीं पता ये खिड़की है या गेट है, लेकिन कुछ तो है जगह। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल इसके अंदर, कहीं मैं नीचे गिर ना जाऊँ यार। ओह, अरे इसमें तो पानी है। हाँ पानी है, देखो देखो मेरे हाथ गीले हो गए यार, क्या चीज़ है इसमें। ओह वाओ गाइस, देखो हैं ये गीला कैसे। और भाई मैं पूरा मिट्टी के ऊपर फिलहाल टिका, ऐसे इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसात हो रखी हो। ओहो बहुत तेज स्मेल है अंदर। ओ गाइस मैं आ गया हूँ बस के अंदर। ओ वाओ भाई साहब, पूरे इस गेट, हाँ गेट ही है ये, आ जाओ अंदर आ जाओ भाई। बहुत तेज स्मेल आ रही है यार इसमें तो। ओहो बड़ी स्मेल आ रही है, जल्दी आओ अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, घुसा घुसा घुसा, लाइट मेरे को दे दो। ओ तेरी जो केबिन है, ओहो भाई भी अंदर आओ, कैमरा लो। देखो यहाँ पर जो केबिन वगैरह है वो भी आपको दिखाते हैं गाइस, आप लोग बस की हालत देख सकते हो। ओ शिट, लेकिन गाइस फाइनली हम लोग बस के अंदर पहुँच चुके हैं। आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ अंदर, घुस के आना पड़ेगा। ऐसे घुस के आना पड़ता है इसमें। बस इतना सा रास्ता है। अरे कितने लोग आ गए हैं? क्या हाल हो रखा है? इसको पकड़ो। अरे अंदर फफूंद लगी हुई है, बहुत ज्यादा फफूंद लगी हुई है, फंगस। इसको पकड़ना मोहित, इसको पकड़ो अंदर गाइस। जो है बहुत तेज स्मेल आ रही है ना, और हम लोगों के पास चप्पल वप्पल नहीं है, ध्यान से रहना, ये कांच टूट गए हैं यहाँ से। ओहो देखो इधर आओ, देखो मैं दिखाता हूँ हालत क्या हो रखी है भाई। अरे पानी कहाँ से आ रहा है भाई पूरे में? देखो पूरी बस के अंदर जो है ये पानी है, ये देखो। बारिश आई थी ना? क्या बोला तूने? अरे बारिश अंदर थोड़ी आएगी यार, ये देखो भाई, देखो हर जगह देखो कितना पानी है, बह बह के जा रहा है, ये देखो इस पाइप के ऊपर। और यहाँ जंग लगना स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। हाँ पूरी छत पे जो है यहाँ पे भी पानी जमा हुआ है, ये मुझे लगता है इस मिट्टी का पानी है। और देखो गाइस, ओ इसमें कांच हो सकते हैं। देखो ये जो शीशा है ये मिट्टी के दबाव की वजह से पूरा ऐसे टूट गया है, और इसमें देखो ये किस तरीके से फंसा हुआ है। और ओए ध्यान से रहना यार, ये तो बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। देखो पूरा हथियार है भाई, ये जो है पूरा एक पहना हथियार है, अगर लग जाए तो। देखो इसके दो धार हो रहे हैं आगे, इसको यही रख देते हैं, खतरे का काम है। ये वाला जो ग्लास है ये बच गया, ये वाले बच गए, बैंड हो रखे हैं गिलास। और देखो सीट की हालत देखो, ये पता है गाइस ये क्या चीज़ है? ये जो है ना ये फफूंद है, देखो यहाँ पर जो फंगस है वो लग गई है बस के अंदर। ओहो बस के अंदर फंगस कैसे लग गई यार? कपड़े में फंगस लग गई क्या? हाँ नमी और बहुत बेकार सा माहौल है यहाँ पे। पीछे चलो, हाँ एक बार पीछे चलो, एक बार पूरा दिखाओ एक बार पीछे से गाइस, आप लोग अब देखो एक बार बस के अंदर आ चुके हैं। एक बार लाइट बंद करना ज़रा, लाइट्स बंद करो, अरे छुपा लो लाइट को, बंद ही हो जाती है वो। भाई देखो फिलहाल उत्तरी कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। जलाओ 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 जलाओ, डर लगता भाई बंद होते ही। उधर देखो एक बार केबिन में, उधर हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। हटो। ओ भाई साहब जो केबिन है उत्तरी, यहाँ पे भी फफूंद देखो एक बार,
ये क्या भयंकर वाली फंगस लगी है यहाँ पे, ये तो बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। अरे बस कर भाई। ये यार फंगस क्यों लग गई पूरी बस के अंदर, कहीं जब दबाते हैं तो फंगस लगती है क्या, ऐसा कुछ है क्या? ओए 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 ये पिचक गया, इधर आओ इधर आओ, ये पिचका हुआ है, ये बहुत नीचे है भाई। ये जो है आप मान के चलो कि कम से कम 1.5-2 feet ये नीचे आ गया है, और फिलहाल मैं केबिन में हूँ, यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ इसकी छत भी मेरे पास में आ गई है। और गाइज यकीन मानो थोड़ा सा इस पे दबाव और लगा और ये जो है ऊपर से नीचे आ जाएगी और ये मुझे दबा देगी। इसका मतलब इस पे जो है बहुत ज़्यादा बेंड पड़ चुका है, हर जगह पे जो है फफूंद लग चुकी है। शुरू में बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी, थोड़ी सी आदत हो गई, स्मेल तो अभी भी आ रही है बहुत तेज़। चलो उधर चलते हैं वापस से। पूरी बस में पानी है, पूरी बस में पानी है, देखो पूरी छत के ऊपर पानी है। कांच से बच के रहना, जो पीछे का ग्लास है वो भी देखो यहाँ पे टूट गया है, और पूरे पे मिट्टी है, मतलब मिट्टी जो है ना वो प्रेशर डाल रही है भयंकर तरीके से। ओते ये देखो, ये देखो, ये देखो, बस ऐसे अटका हुआ है ये, और मुझे लगता है कि तेरी इसमें जो है कोई ना कोई वो है, कभी मिट्टी आ जाएगी। हाँ यार ये भी बात है, लेकिन जो बस है ना उसने पूरे को मतलब पूरी जो मिट्टी है चारों तरफ की उसको रोक के रखा है, और पूरी मिट्टी दबी हुई। देखो गाइस मैं इसकी कह रहा था, ये देखो खतरा, खतरा यहाँ गिरा हुआ है एकदम खुले में। तो गाइस ये है बस का हाल फिलहाल अंडरग्राउंड होने के बाद में। एक बार पीछे से दिखाओ पूरा जो सीन है वो कैसा दिख रहा है भाई। फिलहाल मेरे नीचे मिट्टी है, ऊपर मिट्टी है, लेफ्ट में मिट्टी है, राइट में मिट्टी है, सुरंग के रास्ते से होकर के हम आए हैं, और बस की हालत ये तो अंदर से है फिलहाल, बाहर से जो हालत है वो तो हम देख ही नहीं सकते हैं। टायर वायर जो सब चीज़ें हैं उनकी तो कुछ भी हालत नहीं जो पता लगा सकते हैं, सिर्फ ये केबिन केबिन देख सकते हैं। तो गाइस इसको बाहर भी निकालेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम ये जो है और अभी रहेगी ज़मीन के अंदर, उसके बाद में देखेंगे इसको निकाल करके। ठीक है गाइस मुझे उम्मीद है कि आपने सारी चीज़ें देख ली इसके अंदर की, अब चलते हैं बाहर। और भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ग्लास हुआ करता था और फिलहाल जो है सिर्फ मिट्टी आ रही है। ग्लास जो है वो शायद टूट करके इसके नीचे दब चुका है, सेम ऐसा ही यहाँ पर हो रखा है। और यहाँ तो जो पूरी खिड़की की खिड़की है ना, दोनों के ही ग्लास टूट गए हैं इधर पे तो, और इस साइड में भी जो है पूरा टूट गया है। कुछ कुछ ग्लास आधे टूटे, कुछ कुछ पूरे टूटे हुए हैं, और भयंकर फंगस लगी हुई है इसमें सारी सीटों के ऊपर, फफूंद है इतनी ज़्यादा। चलो जी एक बार यहाँ से ट्राई करें कि बाहर आवाज़ आ रही है क्या, सब लोग अंदर ही आ गए क्या? देखो कैसे चूहे की तरह उसमें से आदमी दिखाई देता है। अरे बाहर आवाज़ आ रही है क्या किसी को? हेलो हेलो गाइस आवाज़ तो नहीं आ रही है, काम करते हैं एक कॉल करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है कॉल मिल पाएगी या नहीं। देखते हैं इस बस में जो अंडरग्राउंड दबी हुई है मिट्टी के अंदर उसमें से कोई कॉल मिल पाएगी या नहीं, और मुझे नहीं पता क्योंकि फ़िलहाल हम अंदर बंद है। ओ तेरी गाइस मोबाइल नेटवर्क नॉट अवेलेबल यहाँ पर जो है, ये देखो ये देखो ये देखो गाइस, नंबर तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये देखो मोबाइल नेटवर्क नॉट अवेलेबल। ओके यहाँ पर जो है, ओहो गाइस देखो ऊपर जो दोनों नेटवर्क्स हैं वो बिल्कुल जा चुके हैं, यहाँ पे ऊपर आपको जो दिखाई देंगे दोनों दोनों जो नेटवर्क्स हैं वो जा चुके हैं। जूम करो एक बार इस पर, ये देखो बैटरी 15% है, लेकिन उससे पहले जो दोनों नेटवर्क है दोनों के ऊपर ब्लॉक का निशान आ रहा है, मतलब कि कुछ भी नेटवर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। फाइनली हम लोग घुस गए हैं सुरंग बना के बस के अंदर। वाओ गाइस लाइक बनता है इस चीज के लिए, सब लोग जो है लाइक का बटन ठोक देना। बाहर का हमें ये भी नहीं पता कि अंधेरा है या उजाला है या दिन है या रात है। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता, लेकिन अंदर जो है बहुत ही स्मेल आ रही है, और अब इसमें ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि सांस जो है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आने लग गई है, और अब हम जाएंगे बाहर इस सुरंग से। हमने गाइज आपको दिखा दिया है, वीडियो के लिए जो है लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब कुछ कर लेना गाइज, कुछ भी मत छोड़ना। और ये है बस से बाहर जाने का रास्ता, बिल जैसा है। शूट क्या ये, ओहो अरे निकलेंगे कैसे यार इसमें से? नहीं नहीं मैं निकल जाऊँगा, हटो 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 हटो। ओहो बस इतनी जगह है कि मेरे जैसा ही एक इंसान निकल सकता, अगर मेरे से ज़्यादा मोटा हुआ तो उसको बड़ी दिक्कत होगी। लाओ कैमरा दे दो, और इधर पे कुछ नहीं है, इधर अंधेरा है, ऊपर जो है छत है,
एक छोटा सा बिल है बस। ऐसा लगता है शुरू में तो इसमें से घुस नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। अरे खींच ले इसको। आजा भाई आजा आजा। भाई देखो क्या हालत है फिलहाल। लेकिन फाइनली बस के अंदर जो है जाकर के आ चुके हैं। चलो और देखो पूरा मिट्टी मिट्टी देखो हालत, एक बार पूरा मिट्टी में हो गए हैं। चलो अरे इसको पीछे चल जान दो आपके। ये तो बढ़िया रहा कि हमने इतनी ऊंची छत तो बनाई गई, इस कम से कम यहाँ पे एक और घुमाव है। और एक काम करें लाइट बंद करें तो, अगर मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, बंद करो बिल्कुल। और गाइस फिलहाल जो है, अरे लाइट बंद करो, बंद करो, फ्लैश चल रहा है तुम्हारा, दिख रहा है वो, अरे बंद करो इसको। तो गाइस अब जो है फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलो 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 तो मैं, अरे अरे पीछे चलो उधर, अरे आवाज कौन निकाल रहा है ये। उतरी हो मेरे सर में लगी यार, ओ शिट क्या है पीछे, अरे कुछ था यार नीचे होके चलना। चलो 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 हटाओ ना, अरे मैं जला रहा हूँ यार लाइट, डर लग रहा है भाई, डर लगता है भाई इसके अंदर, डर लगता है। कुछ नहीं दिखता, ऐसे ऐसे टटोलते टटोलते आगे चलना पड़ता है कि कहाँ है दीवार, कहाँ है। अरे यार मेरे सर में लग गई एक बार। तो गाइज इसको ले आना भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। ये पीछे 90 डिग्री टर्न आएगा एक, मुझे उम्मीद है गाइज आपको काफ़ी मज़ा आया होगा वीडियो के अंदर। अगर आपको मज़ा आया वीडियो में तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। अभी थोड़ी और रास्ता बचा है। क्या आवाज़ निकाल रहे हो तुम, पीछे से आ रही है। आराम से भाई देख के चलना उधर, पीछे मुड़ के मत देखना। ये देख लिया पीछे मुड़ के, चार लोग आ रहे हैं पीछे, यहाँ पे है वो, घुमाओ आराम से आराम से। तो गाइज लाइक कर देना जरूर से, और कब निकालना है बस को वो भी बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो अभी रुको गाइज, अभी मत जाना, अभी एक बार निकल जाते हैं बाहर, बाय बाय वहीं करेंगे गाइज। देखो कितनी लंबी है सुरंगी, ओहो देख के देख के देख के। तो भाई अब हम जो है थोड़ी ऐसी लाइट में आ चुके हैं जहाँ पर रोशनी दिख रही है, गेट पहुँच चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय। और उधर आप देख सकते हो मेरे को दो एक बार। फिलहाल हम जो है पहुंच चुके हैं गाइस, हम लोग जो है निकल चुके हैं, और यहाँ पर ये लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। क्या हो गया, गर्मी है यार अंदर जो है, दम घुटता है। चलो भूत भी है, भूतों से डर नहीं लगता, मिट्टी ढहने से लगता है।